शरद पवार के बाद अब जितेंद्र आव्हाड ने दिया इस्तीफा, एनसीपी में मची खलबली, भावुक हुए कार्यकर्ता। उद्धव ठाकरे सियासत के कच्चे खिलाड़ी, पार्टी में बगावत नहीं रोक पाए, शरद पवार ने किताब में किया दावा। मुंबई के बाईवी चौहान सेंटर में एनसीपी की हुई बैठक, बैठक में शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले समेत कई बड़े दिग्गज हुए शामिल। शरद पवार के इस्तीफे से राज्य के पद अधिकारियों में मची खलबली, एनसीपी कार्यकर्ता संदीप काले ने लिखा शरद पवार को खून से पत्र, फैसला वापस लेने की मांग। अगर शिंदे की शिवसेना असली है तो वे सीमावर्ती निवासियों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, संजय राउत की शिंदे फडणवीस को चुनौती। हुक्का पार्लर पर मुंबई पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, मुंबई के गोरेगांव में बीएमसी की मदद से तोड़ा गया पार्लर। मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर लाखों की ठगी करने वाले 5 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई और ठगों की गिरोह में शामिल होने की जताई जा रही आशंका। इंडिगो कंपनी की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों का फूटा गुस्सा, मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया धरना प्रदर्शन। 1 रुपए में बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, मुंबई के युवक ने बनाया खास ऐप। चलती ट्रेन में यात्रियों को अपना शिकार बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा, कई स्टेशन पर वारदात को देते थे अंजाम। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ने मांगा जुर्माना तो अपनी ही बाइक में लगा दिया, आरोपी हुआ गिरफ्तार। एनसीपी चीफ के इस्तीफे पर घिर गए संजय राउत, नीतीश राणे ने कहा पहले ठाकरे परिवार तोड़ा, पवार फैमिली में डाली फूट। मुंबई में बैठक की कल्पना नहीं थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जयंत पाटिल ने व्यक्त की नाराजगी। सुप्रिया सुले बन सकती हैं एनसीपी अध्यक्ष, जताई जा रही आशंका, चर्चा हुई तेज। सेंसर बोर्ड ने काटे केरल स्टोरी के 10 सीन, पूर्व मुख्यमंत्री के सिग्नेचर को भी हटाने का आदेश। पुणे थाना क्षेत्र के एक 5 सितारा होटल में देव व्यापार का पुलिस ने किया भांडाफोड़, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोजनालय का लाइसेंस रखने वाले रेस्टोरेंट हुक्का नहीं परोस सकते, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश। महाराष्ट्र के सोलापुर में नगर निगम की सीढ़ियों पर की गई सत्यनारायण की पूजा, पानी के मुद्दे पर शिवसेना हुई आक्रामक। मुंबई में आज चांदी के दामों में हुई बढ़ोतरी, चांदी 86,100 रुपए किलो। शिरडी में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, भाई ने अपनी ही बहन की बेरहमी से कर दी पिटाई।